अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह है वाइट मटर पुलाव। ये नहायत सादा रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उनमें हाफ के जी मैंने चावल लिए हैं, एक टीस्पून मैंने सॉल्ट की ली है, एक टीस्पून मैंने काली मिर्च कुटी हुई, आधी टीस्पून मैंने सफ़ेद जीरे की ली है, आधी प्याली इसमें घी या ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे, पौनी प्याली इसमें मैं मटर इस्तेमाल कर रही हूँ जिनको मैंने उबाल लिए, और पौनी प्याली इसमें मैं हरी प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें जो चीज़ ऐड करूँगी वो है घी। घी गर्म हो चुका है, इसमें मैंने मटर डाल दी। अब मैं 2 से 3 मिनट इनको इसी के साथ पकाऊंगी। अब इसमें सारे मसाला जार डाल दूंगी और साथ इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। पानी बॉयल होना शुरू हो गया, अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये मैंने हाफ के जी चावल लिए थे, हाफ के जी इसमें मैंने पानी ऐड किया है। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया है। अब इसमें मैं जो हरी प्याज थी वो मैं आधी डालूंगी, आधी जब मैं डिश आउट करूंगी उसके ऊपर फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए इसे मैं दम पे रख दूंगी। 5 मिनट के बाद देखें चावल दम आ चुके हैं, चावल दम आ चुके हैं। आप इनमें डिश आउट करूँगी। हरी प्याज मैंने एंड पे डाल ली है, इसको ये दम आ चुके हैं, डिश आउट भी हो गए हैं। इनको धनिए की मज़ेदार चटनी के साथ आप सर्व करें। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।